तो दोस्तों, मैं हूं कुमार सीमा। और दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में, और वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है, उन्होंने ओथ लिया है एज ए फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और बिलावल भुट्टो जरदारी का जो बैकग्राउंड है, बहुत सारे अगर लोगों को नहीं पता तो जस्ट फॉर देयर नॉलेज, वो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जिनकी जो सिंध प्रोविंस में गवर्नमेंट है। एंड ही इज द सन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेनजीर हसन ऑफ जुल्फकार अली भुट्टो, जो पाकिस्तान के पहले वजीर आजम भी रह चुके हैं, पहले फॉरेन मिनिस्टर भी वो रह चुके हैं बैक इन 60s 70s में, मतलब। और उनको उस वक्त के डिक्टेटर जियाउल हक ने फांसी दे दी थी। और तो बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि अपनी पार्टी के चेयरमैन है और सबसे यंगेस्ट अगर आप फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान की तारीख में गए तो ही इज दैट। और इससे पहले भी आई थिंक वो पार्लियामेंट में रह चुके हैं, लेकिन ये अब उन्होंने, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट जो है उसकी बनाई है, और उसमें उन्होंने इमरान खान साहब को जो फारग किया था, और तो अब वो एज ए फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने ओथ ले लिया है। तो इट मीन्स के जब बिलावल भुट्टो जरदारी एज ए फॉरेन मिनिस्टर ओथ ले रहे हैं, तो उसकी सारी बात है, कुछ इम्प्लीकेशंस हैं कि आम फॉरेन मिनिस्टर नहीं है। हिना रबानी खैर ओके वहां पे मौजूद है, लेकिन एक पार्टी का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर है, लेट्स से शहबाज शरीफ साहब, और एक पार्टी जो सेकंड बड़ी पार्टी है, उन्होंने अपने को फॉरेन मिनिस्टर जो है वो तौर पे ओथ ले लिया। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और ये क्या कर सकते हैं, ये इस पर मैं बात करूंगा। पहली बात तो ये है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसका शुरू से ये रहा है कि ये फॉरेन पॉलिसी पे इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। अमेरिका के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे, चाइना के साथ ताल्लुकात को किस तरह आगे लेके जाना है, और फिर उसके बाद मिडल ईस्ट के साथ नॉर्मली इनकी नहीं बनती, क्योंकि अरब जो थे, अरब कंट्रीज इनको पसंद नहीं करते। द रीजन बिहाइंड इज के इनके बारे में था कि ये इनकी जो आउट ध्यान है वो सिर्फ जो है वो ईरान की वजह से, ईरान की तरफ है, उसकी कुछ हिस्टोरिकल भी वजह है, रिलीजियस वजह है। शायद ये समझा जाता था कि जो जरदारी साहब, इनके जो वालद साहब हैं, वो अहले तशी हैं शायद, तो मे बी दैट इज वाई वो एक, क्योंकि जो जरदारी साहब, इनकी पहले गवर्नमेंट थी 2008 to 2013, जब बेनजीर भुट्टो जो थी शी गॉट मार्टर्ड, तो उस वक्त जो थी जरदारी साहब ने ईरान के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे कर लिए थे, और गैस, ईरान के साथ गैस पाइपलाइन बिछा दी थी, और उनको ये था कि हम पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे कर लेंगे और एनर्जी नीड्स पूरी कर लेंगे। लेकिन वो जैसी नई गवर्नमेंट आई, उसने इस आइडिया को स्क्रैप कर दी, और अमेरिकन को खुश करने के लिए, सऊदीज को खुश करने के लिए, क्योंकि नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है वो प्रो सऊदी अरब थी, तो वो ये वो करते रहे। ये जो पीपल्स पार्टी है, इसकी बड़ी ये एक तो पहली बात है कि ये एक मेच्योर सियासी जमात है पाकिस्तान के अंदर, इनका हिस्टोरिकल पिछले 50 साल से ये जमात एग्जिस्ट करती है, और इन्होंने अब मुश्किल मुख्तलिफ अदवार में जो है वो हुकूमतें संभाली हैं, तो इनको एक्चुअली जो स्टेट बिजनेस है वो इनको करना आता है। लेकिन इन बेचारों की एक बड़ी गंदी लेगेसी है, जो इनके बारे में जो बहुत ज्यादा बात होती है कि ये करप्शन बड़े इनके दौर में होती है, और के सिंध के अंदर बड़ी करप्शन हो रही है। अब पिछले 15 साल से इनका वहां पे कंट्रोल है, लेकिन कोई खातर का चीजें उस तरह अवाम की जिंदगी में बेहतरी नहीं आई, लेकिन वोट लोग इन्हीं को देते हैं, द रीजन बिहाइंड इज कि ये नौकरियां देते हैं, सो एंड सो फॉर्थ। लेकिन फॉरन पॉलिसी में क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो मैं उसी पर रहना चाहूंगा। अब देखें, बेसिकली जो बिलावल भुट्टो जरदारी है वो तो है ही है, लेकिन इनके दिमाग में जो असल सोच है वो इनके वालिद की है, आसफ अली जरदारी साहब। आसफ अली जरदारी जो है, उनको पाकिस्तान में कहा जाता है मुफाहमत का बादशाह, इज ए चैंपियन ऑफ रिकॉन्सिलेशन, ठीक है जी। वो किसी के साथ भी उसको बिठा दे, वो कमरे से जब बाहर जाएगा तो वो उसको या मना लेगा अपनी, या उसके साथ मान जाएगा, मतलब ये, लेकिन वो डेडलॉक नहीं रहने देते। और उनकी ये खूबी है, जब वो प्रेसिडेंट बने 2008 से 2013, तो अगर मैं आपको इंडिया पाकिस्तान की बात बताऊं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया का दौरा कर लिया। इंडिया की तरफ से आपको पता है कि मनमोहन सिंह साहब आई थिंक एज ट्वाइस एज पीएम पाकिस्तान नहीं आए थे, या वाजपेयी साहब आए थे या फिर मोदी साहब, एक जो है जो था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मेरी इफ माई मेमोरी सर्व्स मी वेल। तो उन्होंने क्या किया कि वो एज ए प्रेजिडेंट जाके वो चले गए वहां पे दरगाह, अजमेर शरीफ चले गए, और वहां पे जाके सलाम किया और सारा कुछ किया। अब जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर को पता चला कि पाकिस्तानी सदर आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी ठीक है आप वहां पे जाएं, लेकिन लंच हमारे साथ करें। तो दैट वाज बेसिकली अ ट्रैप था एक, कि इंडियंस को जो है वो कहना कि भाई हम तो दरगाह पे आ रहे हैं, सलाम करने आ रहे हैं। अब जारी कहा है पाकिस्तान का सदर है, दरगाह पे आना चाह रहा है, तो अब इसको ये तो नहीं कहेगा कि तुम नहीं आओ, ठीक है, मना तो नहीं कर सकते थे। लेकिन
बैक चैनल में उन्होंने एक डायलॉग खोल दिया, ये इस चीज की ये बात, ये किंग है ठीक है जी, कि ये डायलॉग खोल दिया। फिर उन्होंने क्या किया, इंडिया में उस वक्त जो थी इन्हीं की पार्टी और इंडिया और पाकिस्तान का आई थिंक सेमीफाइनल था क्रिकेट का, तो इन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को जो है वो मेरा ख्याल है मनमोहन सिंह साहब ने भी को इन्वाइट किया था, इन्होंने भी भेजा, सो इट वॉज ए क्रिकेट डिप्लोमेसी हमने का। फिर जब इनके वो इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, तो नए प्राइम मिनिस्टर बने अशरफ साहब, जो कि अशरफ राजा साहब जो इस वक्त नेशनल असेंबली के स्पीकर अभी बने हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बने कुछ 6-8 माह के लिए, उनको भी इंडिया भेज दिया कि जी श्राइन डिप्लोमेसी एंड ऑल। अब ये जो है ये इन चीजों की मुफाहमत के बादशाह। अब होता क्या था कि ये एस्टेब्लिशमेंट को जो था ना वो एक अपनी कैपेसिटी दिखाते हैं कि जी हम कितने कुछ जोगे हैं, हम जैसे इमरान खान साहब है, मोदी ने एक ट्वीट कर दी, उन्होंने कहा मैं बोलने नहीं है, मैं गाल ही नहीं कर रही, सारा टाइम ट्वीट पे ट्वीट की जा रहे हैं, ट्वीट पे ट्वीट की जा रहे हैं, बस उनको ये पता है कि मेरी ट्वीट जो है ना वो मीडिया में बड़ी आएगी। तो इमरान खान साहब जो थे वो हालात के कैदी हो गए थे, वो अपने फॉलोअर के कैदी हैं, वो मीडिया अटेंशन के कैदी हैं, सो ही डजंट थिंक बियॉन्ड दैट। सो वो जो भी बोलते थे जो करते थे वो मीडिया अटेंशन के लिए करते थे। ये पार्टी जो है दे आर द डूअर्स, ये काम कर सकते हैं, इनको अगर ये करप्शन के स्कैंडल और करप्शन की चीजें इनके साथ ना हो, they are basically do what they understand politics, they understand the institutional apparatus in the country, ki kaam chalana kaise, establishment ko jo hai usse kaam kaise lena, establishment ko andar se kamzor karne ki bhi inke paas strategies hoti hain, aur ye bahut kuch kar sakte hain, they have a capacity hoti hai inki. Khair anyhow they do it in a democratic way, they don't do it in an undemocratic way. Khair anyhow ab ye main aapko bata raha hu pichle 20 saal ki kahani jab inki power aayi, usse pehle BP thi, usse pehle jab इनके इनके नाना जो थे जुल्फकार अली भुट्टो, जब ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ और सारा हुआ, वो एक और हिस्ट्री है। तो मैंने एक बुक पढ़ी और याना फलाशी की, तो इनके जो नाना थे जुल्फकार अली भुट्टो, वो थोड़े जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो उस वक्त एक इटालियन जर्नलिस्ट थी और याना फलाशी, उसकी एक बड़ी अच्छी बुक है एन इंटरव्यू विद द हिस्ट्री, वो अगर आप लोगों को मिले तो उसको जरूर पढ़े, उसने काफी ज्यादा इंटरव्यूज उसने किए। तो उसने इंदिरा गांधी का भी इंटरव्यू किया, करने इंडिया गई तो उसकी आदत थी कि वो 5-6 दिन किसी बंदे के प्राइम मिनिस्टर के साथ रहती थी इंटरव्यू करने के लिए। जब उसको पता चला कि जो इंदिरा गांधी साहब है उन्होंने इंटरव्यू उनका किया, तो उन्होंने उस जर्नलिस्ट को बुलाया अपने पास, रावलपिंडी तब हमारा होता था, तो बुलाया उनको, उनको भी इंटरव्यू दिया और सारी फिर बातें शाते बताई। और तो वो जो थे, क्या नाम है उनका, आसिफ अली जुल्फकार अली भुट्टो, जो वो कंपटीशन किया करते थे इंदिरा गांधी का बात करने में, डायलॉग में, पढ़ाई में, क्योंकि वो भी बाहर के पढ़े हुए थे, अमेरिका के, इंग्लैंड के पढ़े हुए थे, बिलावल भी ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं। सो द पॉइंट जो सारी बात करने का ये है कि इन लोगों को इंडिया की लेगेसी की समझ है, इंडिया के साथ डायलॉग कैसे करना। और मेरी जाती राय ये है कि एस्टैब्लिशमेंट विल बी हैप्पी टू हैव फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी एज अ फॉरेन मिनिस्टर, एस्टैब्लिशमेंट विल बी वेरी हैप्पी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इज, इमरान खान साहब ने इंडिया के साथ डेडलॉक क्रिएट कर दिया था, और वो डेडलॉक जो था वो ईगो की बेस पे था, वो रैशनैलिटी की बेस पे नहीं था। एक तरफ इंडिया हमसे बात नहीं करना चाह रहा, हमने दरवाजा खोलना है, दिस इज पाकिस्तान स्ट्रैटेजी। किस तरह दरवाजा खोलना है कि इंडिया को मॉरली जो है ना उनको नीचे लेके आए, उनके अंदर एक एक फीलिंग क्रिएट की जाए कि नहीं जनाब ये आप करें तो ये। अभी खैर प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि इंडियन जो कोई भी गवर्नमेंट है वो इस गवर्नमेंट से कितनी लंबी बात करेगी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। वो कहेंगे ये तो 6-12-18 महीने बाद इनकी छुट्टी हो जानी इस गवर्नमेंट सरकार की, हम इनसे क्या बात करें। तो ये 12-18 महीने में कुछ ना कुछ मेरा ख्याल है डिविडेंड लेने की कोशिश करेंगे, छोटा मोटा जो भी हुआ, 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था, पहले बहुत कुछ हुआ था, लेकिन ये वो होस्टेज नहीं बनते किसी चीज के, इनकी एक है। दूसरा ये कि ये अमरीका के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे रखते हैं, लाइकली पॉसिबिलिटी है अगर बिलावल भुट्टो एज ए फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के साथ कोई ब्रेक थ्रू हो जाए तो मैं हैरान नहीं हूँ, मतलब दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। अंटिल एंड अनलेस के इंडिया बहुत स्टबर्न रहे, जिद्दी रहे, नहीं ऐसा नहीं गल करनी है, इंज नहीं होना, वो नहीं होना, मतलब दिस इज देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर इंडिया थोड़ा सा लचक दिखाता है तो ये कुछ भी, बिलावल एंड हिज फादर दे हैव अ कैपेसिटी टू डू दिस, एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइक्स देम फॉर दिस कैपेसिटी।
और दूसरा ये कि ये जो बिलावल वगैरह और उनके फादर जो हैं, ये अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमेशा बहुत अच्छे रखते हैं, बहुत अच्छे रखने की कोशिश करते हैं, और अपना पर्सनल ताल्लुकात भी सेनेटर्स और इन लोगों से बनाने की कोशिश करते हैं। गो के रिसेंटली इनके कोई इतने लंबे चौड़े ताल्लुकात नहीं है, उस वक्त जॉन मकेन हुआ करते थे, तो बिलावल जरदारी साहब ने उनके साथ एक जाती ताल्लुक बना लिया, एक और थे रिचर्ड हॉलब्रो के साथ जाती ताल्लुक बना लिया, अगर वो फौत हो गए तो उनके जनाजे पे गए पाकिस्तान से, मतलब इस तरह की वो चीजें जो है वो करते थे। तो ये चीजें हैं। सो यहाँ पे जो पॉइंट है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो, दिस इज द नीड ऑफ द आवर फॉर पाकिस्तान। मेरा ख्याल है कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो ये समझती है कि इमरान खान ने जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी फ्रंट को जो प्रॉब्लम क्रिएट की है, बिलावल भुट्टो उसको रिपेयर कर सकेगा, दैट इज हिज चॉइस टू बी ऑब्वियसली। यही वजह है कि एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब की छुट्टी करवाई, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट वो सिर्फ देखे ना, इमरान खान तो इतने फ्रेजाइल थे कि एस्टैब्लिशमेंट विल स्टॉप सपोर्टिंग हिम एंड ही विल फॉल, दैट्स द ओनली थिंग, और वो गिर गए और वो उनको उन्होंने वो कर दिया। अभी जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है उनके लिए बड़ा चैलेंज है अब, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे लोगों को अगर नहीं पता तो बता दो कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब सऊदी अरब जा रहे हैं, तो जब वो सऊदी अरब जा रहे हैं, लाइकली पॉसिबिलिटी कि अब एज ए फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साथ जाएंगे, बिकॉज ही वुड लव टू सी व्हाट इज द माइंड सेट इन सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया में क्या माइंड सेट है, ठीक है जी। और वहां पे वो सारी बात है 28 से 30 अप्रैल तक रहेंगे, सारी बात है पैसों भी मांगेंगे पैसा, और वो पैसा देंगे इनको, इमरान खान साहब को तो पैसा उन्होंने दिया था जनरल बाजवा के कहने में, फ्रेंकली स्पीकिंग एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे सऊदीज ने इनको इनके साथ बात की थी, क्योंकि इमरान खान साहब को कोई पता नहीं है ये सुबह के हैं, दोपहर के हैं, शाम के हैं, लेकिन इनके साथ उनके पुराने ताल्लुक आते हैं। जब 99 में जनरल मुशरफ ने इनको एग्जाइल में भेज दिया था, शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर को और नवाज शरीफ साहब को, तो वो एग्जाइल सऊदी अरब में थी, तो ये सऊदीज के मेहमान रहे थे, तो ये इनके बड़े वो जैसे कहते हैं ना ट्रस्टेड पार्टनर हैं, लॉयल हैं उनके साथ। लेकिन जारी बात है पाकिस्तान की जब फॉरेन पॉलिसी का मैटर आता है, तो जब नवाज शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म थे तो सऊदीज के कहने के बावजूद इन्होंने यमन में फौजें नहीं भेजी थी, सो दैट वॉज कि उस वक्त इट वॉज द पार्लियामेंट्स डिसीजन कि हम नहीं भेजेंगे, भले सऊदी से हमारे अच्छे ताल्लुक आते हैं, खैर है नहीं, वो एक और चीज़ है। सो यहाँ पे आके देखना है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात ही अच्छे कर सकते हैं और ख्वाहिश भी रखते हैं, जो कि डैमेज इमरान खान साहब कर गए ये रिपेयर करें, इंडिया के साथ ताल्लुकात की हिस्ट्री है ये रिपेयर कर सकते हैं। अब मैंने देखना है जयशंकर साहब किस तरह करते हैं। इंडिया में मेरा ख्याल है स्वाये इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर के अलावा किसी को बोलने की इजाजत नहीं अबाउट पाकिस्तान। आई हैवंट हर्ड जयशंकर साहब स्पीकिंग अ वर्ड अबाउट पाकिस्तान, उन्होंने वो जिसे कहते हैं ना कोई पाकिस्तान के बारे में कोई क्रूशल बात ना करनी हो, लेकिन वो नहीं बोलते, ठीक है जी। इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो भी इसी तरह कोई ना कोई, उन्होंने भी जिन्हों कहते हैं ना कुछ चंगी नहीं करनी होंगी, वो उन्होंने भी कुछ पंजाबी जैसे कहते हैं लुत्ती लाने, ठीक है जी, और प्रेशर वाली बात हम ये नहीं करेंगे हम वो नहीं करेंगे। अगर इफ अगर कोई हवा का झोंका आ सकता है तो नरेंद्र मोदी के दिमाग में क्या है, दैट इज व्हाट इज टू बी थॉट एंड डिस्कस्डेंस टू बी सीन। तो ये इंडिया के हवाले से ये चीज़ें, अमेरिका के हवाले से चीज़ें बेहतर होंगी आइंदा, और ये जो इमरान खान डैमेज किया है इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, लाइकली पॉसिबिलिटी है कि ये अमेरिका जाएंगे, लाइकली पॉसिबिलिटी, या मिलेंगे या ब्लिंकन से बात करेंगे, गपशप मारेंगे, कुछ ना कुछ होगा। मैं आपको आई कैन ट्रस्ट यू, आई एम श्योर कुछ चीजें ये कर सकते हैं हम, दे हैव इनकी पर्सनल दोनों जमातों की कैपेसिटी, इनका माजी का ट्रैक रिकॉर्ड, इनकी सस्टेनेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि ये कुछ ना कुछ कर सकते हैं, और किस तरह कर सकते हैं ये एक जारी बात है, बात की बात है। सऊदी अरब के साथ ये ताल्लुकात वैसे हैं, टर्की के साथ इनके अच्छे ताल्लुकात हैं, और इसको मजीद आगे लेके जाएंगे, चीन के साथ इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं दोनों पार्टीज के, ठीक है। इमरान खान की पावर आने से तो चीनी बड़े परेशान थे कि ये यार ये क्या कर रहे हैं, उनको पता है इन दोनों पार्टीज के साथ काम कर सकता है। सो ओवरऑल जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं दे विल बी हैप्पी टू हैव बिलावल भुट्टो जरदारी एज ए फॉरेन मिनिस्टर, एंड बिलावल अंडरस्टैंड उसकी जो एक हिस्टोरिकल मेमोरी, उनकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, पार्टी मेमोरी, फिर देन बहुत सारे इसकी पार्टी के जो लॉयलिस्ट हैं, जो इनके नाना के साथ रहे, इसकी मामा के साथ रहे, आज इसके साथ है, तो इट मींस दैट दे कैन मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस। एंड पर्सनली हमें एक मजा हुआ फॉरेन मिनिस्टर चाहिए, शाह महमूद कुरैशी साहब जो थे वो तो सिर्फ जिसे कहते हैं ना शाह साहब ही थे, बस बात करते थे लेकिन कोई बात नहीं करते थे। आप उनको एज ए फॉरेन मिनिस्टर या एज ए पॉलिटिशियन सुने, मुझे तो उनकी समझ नहीं आई कभी, वो कोई बात भी करते हैं तो कोई बात नहीं करते, उसमें जो है ना वो स्टाइल ज्यादा होता है,
किसी स्टाइलिस्ट से उन्होंने मेरा ख्याल है काफी ट्रेनिंग ली है। स्टाइल ज्यादा होता है, सब्सटेंस कम होती है। और बिलावल जो है वो इज एन ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, फुली पोलिटिकली ट्रेन टू डायलॉग विद ऑल द पाकिस्तान मेजर पोलिटिकल पार्टीज, और इमरान खान को भी बड़ा टफ टाइम देते हैं, इमरान खान इनको बड़ा टफ टाइम देते हैं, लेकिन ऑन फॉरन पॉलिसी फ्रंट ही विल बी अ डूअर एंड ही कैन मेक थिंग्स बेटर। लेट्स होप वो क्या करते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि ही कैन डू एनी ब्रेक थ्रू। लेट्स सी कि इसको वो किस तरह जो है वो आगे लेके जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।